बिग बॉस ओटीटी 2 की फाइनलिस्ट मनीषा रानी शो भले ही जीतने में कामयाब नहीं रही, लेकिन उन्होंने दर्शकों का दिल जरूर जीत लिया। अपने बिहारी लहजे और क्यूटनेस से मनीषा ने एंटरटेन भी खूब किया। मनीषा की फोटोज उस वक्त सोशल मीडिया पर छा गई थी जब महेश भट्ट घर के अंदर गए थे। मनीषा को महेश भट्ट के गले लगाने पर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा और कहा गया कि वह अनकंफर्टेबल हो गई। अब इस पर मनीषा ने अपना रिएक्शन दिया है। बिग बॉस ओटीटी 2 के उस एपिसोड में महेश भट्ट ने मनीषा को टच किया और उनके हाथ पर किस किया। सोशल मीडिया यूजर्स को यह पसंद नहीं आया। अब मनीषा ने कहा कि महेश भट्ट बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और उनसे मिलना उनका सपना था, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। मीडिया से बात करते हुए मनीषा ने कहा, मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं थी। अगर लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ तो वह बहुत गलत है। मनीषा ने आगे कहा, वह मेरे अंकल मेरे पिता जैसे हैं। कई बार उम्रदराज लोग युवाओं के प्रति अपने प्यार का इजहार एक खास तरीके से करते हैं, कभी कभी वह छूकर करते हैं। जब उन्होंने हमें चुप रहने के लिए कहा तो मैं थोड़ा डर गई, क्योंकि मैं ऐसी पर्सन हूँ जो चुप नहीं रह सकती। महेश भट्ट बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनसे मिलना मेरा सपना था, उनका इरादा बहुत अच्छा था। दोस्तों, मनीषा के इस रिएक्शन पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।